हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिना मैदा के केक बनाने जा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, बहुत ही आसान है और घर में उपलब्ध सामान से इसे आसानी से बनाया जा सकता है। कुछ खास ट्रिक्स हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केक का पूरा मेजरमेंट मैंने जो घर में नॉर्मल स्टील की कटोरियां होती है उससे किया है। ये सेम कटोरी, इसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कितना ग्राम लें, किस मेजरिंग कप से इसका मेजरमेंट करें। इसलिए मैंने आपके लिए आसान करने के लिए घर में जो भी नॉर्मल कटोरी हो वो एक सेम कटोरी लेके उसी के मेजरमेंट के हिसाब से सबको मेजर करना है। कि मैंने एक कटोरी सूजी लिया है, वही सेम एक कटोरी आटे की ली है। अगर आप चाहे तो सूजी की खाली आटे से भी बना सकती हैं, दोनों कटोरी आटे भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक कटोरी सूजी ऐड करूंगी इसमें। एक कटोरी में ले रही हूँ चीनी, चीनी मैंने दाना वाली ली है, ये आधा कटोरी रिफाइन ऑयल और 1/4 कटोरी दही। अगर आप दही नहीं भी लेना चाहें तो खाली दूध से भी केक बना सकते हैं, उसमें दूध की मात्रा आपको बढ़ा देनी होगी इतनी। ये आधा नींबू लिया है मैंने, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, थोड़े से किशमिश और वेनिला एसेंस। अगर वेनिला एसेंस भी अगर नहीं उपलब्ध है तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। और ये 1/2 कटोरी दूध लिया है, दूध मैंने मलाई वाला लिया है, फुल क्रीम दूध, इससे केक सॉफ्ट, ज्यादा स्पंजी और सॉफ्ट बनेगा। और नींबू भी केक को फूलाने में मदद करता है। इसमें हम लोग चुट्टी भर नमक भी डालेंगे, उससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब मैं सारे सामान को मिक्सी से ग्राइंड करूंगी। इसमें सबसे पहले लूंगी ये जो 1 कटोरी सूजी ली है ये, और दही। अगर आप दही नहीं ले रही तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं। और 1 कटोरी चीनी, चीनी हमने पीसी हुई नहीं ली है। मिक्सी से एक फायदा है कि चीनी हमें अलग से नहीं पीसनी पड़ेगी, पीसी हुई चीनी इसी में पिसा जाएगी। अब इसको मिक्सी से ग्राइंड कर लेंगे। दही की मात्रा इसमें कम है तो थोड़ा सा दूध डाल देंगे हम लोग। अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डाल के मिक्सी को चला लेना है। ये 1 कटोरी आटा, आधा कटोरी रिफाइंड तेल, दूध बचा हुआ। अब इसको मिक्सी में चला लेंगे एक बार। ये देखिए सब चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। मिक्सी में करने से ये मिक्स बड़ी अच्छे से हो जाती है। और सूजी अगर आपकी मोटी है ज्यादा तो वो भी बारीक हो जाती है, और चीनी भी अलग से पीसने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए मिश्रण मिक्सी में ज्यादा लगा हुआ रह गया, इसलिए इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको फिर से एक बार चला लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने सोडा इनो कुछ भी नहीं डाला है तो ये फूलेगा कैसे, तो इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। अब इसको ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अगर आप सूजी नहीं डाल रहे हैं, खाली आटा डाल रहे हैं, तो आप 10 मिनट भी रख सकते हैं, इससे सूजी फूल जाएगी अच्छे से। अब जब तक केक रेस्ट हो रहा है तब तक, बैटर रेस्ट हो रहा है तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लूंगी, क्योंकि रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसलिए मैं जो ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, काजू, बादाम और पिस्ता, उसे रोस्ट करके डालूंगी। किशमिश को रोस्ट नहीं करना है, किशमिश को ऐसे ही डालना है हमें। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू इसकी आ रही है हमें। तब गैस को बंद कर दूंगी। ये मैंने केक का टिन लिया है, इसको रेडी कर लेते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो इसके साइज का काट का नीचे लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे तेल लगा के। इसको अच्छे से तेल लगा लेंगे चारों तरफ। साइड में भी हर तरफ तेल लगाना है इसमें, ताकि केक चिपकेगा नहीं और जलेगा नहीं। तेल लगाने के बाद इसमें हल्का सा मैदा छिड़क देंगे। जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको निकाल लेना है।
अब बेटर को रेस्ट में रखे, 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए सूजी फूल भी चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा नींबू का रस, चुटकी भर नमक, थोड़ा सा वेनिला एसेंस। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, फ्लेवर के लिए डाला जाता है वेनिला एसेंस। थोड़ी सी किशमिश, मैं ऊपर से सजाने के लिए रखूंगी, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अंदर डालूंगी और थोड़े से ऊपर से डेकोरेशन के लिए रखेंगे। अब ये सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हमने 2 कटोरी आटा का लिया था, आटा और सूजी मिला के 2 कटोरी थी, इसलिए 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए थोड़ा सा दूध और डाल दूंगी ताकि ये बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप सारी ट्रिक्स और टिप्स के साथ अगर ये केक बनाएंगे तो रियली में एक अमेजिंग केक बनके तैयार होगी। अब ये मिश्रण को बाउल में केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसको ड्राई फ्रूट से सजा लेंगे, ऊपर से भी वो जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स थे ऊपर से डाल दूंगी मैं। केक का लुक अच्छा आएगा ऐसे करने से। बची हुई किशमिश भी डाल दूंगी। अगर आपका चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट खाने का मन है तो इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं। जो भी जो क्रश किया हुआ चॉकलेट मैं भी थोड़ा सा डाल रही हूँ, इसके इसका कलर बहुत सुंदर आएगा। ये मैंने पहले से प्री हीट ओवन लिया है, इसमें हम इसको आधा घंटा के लिए बैक कर लेंगे। आधा घंटे के बाद चेक करेंगे, अगर नहीं पका है तो फिर से 10-15 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं तो आप कढ़ाई में बना सकते हैं, उसका मेथड भी मैंने इससे पहले केक सिखाई थी उसमें सिखाया हुआ है। और कम आंच में इसे पकाना है। अब 30 मिनट हो चुके हैं और केक को एक बार मैं टूथपिक डाल के चेक कर लूंगी। ये देखिए केक टूथपिक के लग गया है, मतलब केक अभी तक पका नहीं है। अभी 15 मिनट के लिए केक को और पका लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और अब देख टूथपिक एकदम साफ आया, मतलब केक पक चुका है। और देखिए कितना अच्छा फूला है केक हमारा। अब इसको 1 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद निकालेंगे तो अच्छा से निकल पाएगा। ये देखिए ठंडा हो चुका है, इसने चारों तरफ से किनारे भी छोड़ दिए। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं सांचे से। इसके चारों तरफ जो मैदा लगा हुआ है, जो हमने सांचे में डाला था, वो इसके चारों तरफ लगा हुआ है, तो चाकू की सहायता से मैदा को उतार लेंगे। अगर आप नहीं भी उतारना चाहें तो भी चलेगा, क्योंकि मैदा भी ये पक चुका है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। देखिए कितना अच्छा केक बना है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। आप भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और हमें बताएं कि आपका केक कैसा बना। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, बिना मैदा के इसे आसानी से बनाया जा सकता है। वे देखिए सुपर सॉफ्ट भी है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये आसानी से कट भी गया, मतलब केक सॉफ्ट है। ये देखिए आपको दबा के दिखाती हूँ केक कितना सॉफ्ट है। ये देखिए आसानी से दब रहा है केक हमारा। तो चलिए केक खाते हैं और एंजॉय करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।